I hope that all of you are fine and doing great in your life. This particular session, I'm going to tell you a very important information that after a lot of requests made by many of the students and my friends that please make a detailed series on the Middle East because middle east is one of the regions that is always in news, a region where great power politics has always been there, a region which is seeing a religious conflict, a region where you have huge human crisis, which is going in syria and yemen, a region which has always been a u.s. dominant region now is seeing the influence of china in this particular region, a region which has been very critical to ensure energy security across the globe. that's why middle east is a very, very important geostrategical space which has its own unique challenges, which has its own unique opportunities, and which has its own unique geopolitics.

वॉट इज है उसके ऊपर आपका एक वीडियो आएगा वॉट इज द टेंशन बिटवीन साउदी एंड ईरान पे एक वीडियो आएगा इस तरीके से ये पूरा मिडिल ईस्ट का सीरीज आई एम गोइंग टू लॉन्च यहाँ पे उस सीरीज में बहुत सारे वीडियोज होंगे और उन सारे वीडियोज में एक एक एस्पेक्ट ऑफ मिडिल ईस्ट को कवर किया जाएगा जिससे ना ही एग्जाम परस्पेक्टिव से बल्कि आपके खुद के नॉलेज

तो अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते हो आप बस इन सेशन के ऊपर रिलाई करते हो तो आई कैन एश्योर यू आई कॉन्ट एश्योर अबाउट एवरीथिंग बट आई कैन एश्योर यू कि मिडिल ईस्ट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो इस सेशन इस सीरीज के वीडियोज में आपको मिलेगा हो सकता है ये वीडियोज बड़े हों कुछ वीडियोज छोटे हों दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम आई हैव टू गिव एंड दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द रेलिवेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक तो इसीलिए आप इस सीरीज को भरोसा से देखें पूरा मिडिल ईस्ट हम लोग एक एक डायमेंशन को कवर करेंगे एक एक कंट्रीज को कवर करेंगे जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैं लाइक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अरब लीग ये सब जो न्यूज में चल रहा है वो हर एक चीज मिडिल ईस्ट का यहाँ पे आपको कवर किया जाए तो इसी चीज को बताने के लिए बिकॉज ये बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप मिडिल ईस्ट के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस क्यों नहीं करते हैं बिकॉज ये रीजन बहुत मुश्किल है समझना और समझ भी आता है तो काफी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होता है नॉट द रियल अंडरस्टैंड एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम आई वाज़ नॉट बीइंग एबल टू रिलीज दिस पर्टिकुलर सेशन और दीरीज ऑफ दीडियोज बट नाउ फाइनली एज हेव गॉट द टाइम सो आई थॉट दैट्स टू दिस पर्टिकुलर और इसीलिए हम लोग अब इस चीज को स्टार्ट करेंगे ये सीरीज आपका बहुत दिन लंबा चलेगा ठीक है उसमें बहुत सारे वीडियोज आएंगे हर एक दो या तीन दिन पे या एक दिन पे आपको वीडियोस आते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट्स भी मिलेगा और अगेन मैंने आपको बता चुका है इफ़ यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी नेम इज सुजय यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू गेट इन टच विद मी ठीक है आई विल प्रोवाइड यू माई ई मेल यू कैन राइट टू मी आई विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चन आप उसका आंसर भी लिख के हमें भेज सकते हैं तो आपको चेक करके प्रोवाइड किया जाएगा फीडबैक तो ये पूरा मिडिल आप इंजॉय करके पढ़ें जो भी इससे आपको कठिनाइयां आती हैं यू कैन गेट इन टच विद मी सो दैट आई कैन रिजोल्व वेन आई गेट टाइम बट माई ऑब्जेक्टिव इज दैट कि आपको मैं मिडिल ईस्ट बहुत अच्छे से समझा दूँ क्योंकि तो बहुत मुश्किल है समझाना बट स्टिल आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड एफर्ट विच आई हैव पुट इन मेकिंग दिस इंटरक्टिव पीपीटी सो आई होप दैट इससे आपको फायदा मिलेगा सो बिफोर गोइंग इन टू द रियल पॉलिटिक्स और द रियल करंट अफेयर्स ज एसोसिएटेड विद द मिडिल ईस्ट हम लोग उसको पहले थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि मिडिल ईस्ट का ये जो पूरा लड़ाई है ये पूरा जियो है इसका जड़ क्या है इसका रूट कॉज क्या है और रूट कॉज आपको पता है मुस्लिम कम्युनिटी में डिविजन आपको पता है इस्लाम जो रिलीजन है ओल्डेस्ट रिलीजन है और इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्शंस हैं एक है आपका शिया और एक है आपका सोनी और प्राइमरली ये जो पूरा जियो पॉलिटिक्स है मिडिल ईस्ट का ये इन्हीं दोनों कम्युनिटी के बीच में वर्चस्प की लड़ाई है वेदर द शिया विल बी द लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड और वेदर द सोनी विल बी द लीडर ऑफ द मुस्लिम ये शिया और सोनी है क्या इसको भी समझना जरूरी है तो आज के सेशन में जो इस पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट सीरीज का पहला वीडियो है इसमें हम यही बात करेंगे कि इस शिया और सोनी के बीच में डिफरेंस क्या है और कैसे ये शिया सुनी का जो डिफरेंसेस है यही आज के डिस्प्यूट का मुख्य कारण है तो शिया सुनी को समझने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा वॉट इज एब्राह्मिक रिलीजन ठीक है एब्राहमिक रिलीजन बेसिकली तीन रिलीजन होते हैं आपके इस्लाम क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइजम दैट इज ज्यूज ये तीन प्राइमली अब्राहमिक रिलीजन होते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, एग्जांपल ड्रूज एंड अदर थिंग्स बट तीन मेजर अब्राहमिक रिलीजन हैं दैट इज इस्लाम क्रिश्चियनिटी एंड जूडिज्म अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है अब्राहमिक रिलीजन ऑल आर मोनोथेस्टिक रिलीजन मोनोथेस्टिक रिलीजन मतलब ये एक ही भगवान में भरोसा रखते हैं सो दे बिलीव इन वन गॉड बट दे बिलीव इन मेनी प्रोफेत्स

और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट जो ये एब्राहमिक रिलीजन मानता है दैट इज प्रॉफिट प्रॉफिट अब्राहम इनको ये सबसे इंपॉर्टेंट मानता है लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे ये तीन रिलीजन आपस में बढ़ जाते हैं इसके ऊपर आप अलग से पढ़ सकते हैं बिकॉज दैट्स अ बिग टॉपिक बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ हमें बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए था कि सारे एब्राहमिक रिलीजन है

सार्वेद धर्म में यही माना जाता है कि गॉड ने इस दुनिया को बनाया है ये इंपॉर्टेंट देखो गॉड रिवील्स हिमसेल्फ टू अ फ्यू पीपल हमने बात किया था प्रोफेट्स मेसेंजर्स ऑफ गॉड तो गॉड ही ने इन प्रोफेट्स को बनाया है कि प्लीज गो टू दिस अर्थ एंड कैरी माय मैसेज सिटी ऑफ जेरुसलम अगेन ए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है तो ऑल द थ्री मेजर एब्रहेमिक रिलीजियंस ये हम लोग आगे पढ़ेंगे

तो इसके पहले देखते हैं मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड अल्लाह टू ह्यूमैनिटी थ्रू स्पेशल अगेन एब्राहमिक रिलीजन का यही कॉन्सेप्ट है एक भगवान है और मुस्लिम्स के लिए कौन भगवान है अल्लाह अब अल्लाह अपना मैसेज इस धरती पर कैसे देगा वाय द हेल्प ऑफ प्रोफिट्स द मैसेजर ऑफ गॉड एंड अल्लाह फाइनल प्रोफिट वॉज हुमद अल्लाह का फाइनल प्रोफेट कौन था मोहम्मद टू हुम वॉज रिवील जिनको अल्लाह ने कुरान रिवील किया था तो ये है आपका एक बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इस्लाम दैट अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड अल्लाह हैज बीन स्प्रेडिंग हिज मैसेज द हेल्प ऑफ प्रोफेट्स एंड हुई दैट वाज द प्रोफिट मोहम्मद जिनको अल्लाह ने कुरान रिवील किया था ठीक है जो कुरान आपको स्पिरिचुअल बुक है इस्लाम का राइट right? अब बात करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में तो प्रॉफिट मोहम्मद जिन्होंने इस पूरे इस्लाम को इस धरती पर एस्टैब्लिश किया है उनके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन फ्रॉम मक्का इन सऊदी ही वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन फ्रॉम मक्का रिसीव्ड अ डिवाइन रेवलेशन फ्रॉम द गॉड ये कहा जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद को बचपन से ही सपना आता था या उनको कुछ आवाज सुनाई देती थी क्योंकि कहा जाता है कि गॉड उनको ये मैसेजेस रिवील किया अल्लाह ने उनको ये मैसेजेस दिया कि आप जाए और इस दुनिया में ये मैसेज को स्प्रेड करें राइट तो ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन फ्रॉम मक्काइन रेवलेशन फ्रॉम गॉड एंड आफ्टर दिस मैसेज विच ई गॉड फ्रॉम द डिंग

आफ्टर द होली कुरान तो कुरान तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है उसके बाद भी मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स हैं वो देखते हैं तो आफ्टर द द द होली कुरान सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट जो ने खुद बोला कुरान में तो वो मैसेजेस हैं जो अल्लाह ने प्रॉफिट को दिया तो वो तो कुरान में गया और जो प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद बोला दैट हैज बीन कॉल्ड एज हदित उसको हदित कहते हैं तो आफ्टर द होली कुरान द द सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज नोन एज हदित

तो ये आपको प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपको यू शुड बी नोइंग दिस नाउ कम्स कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में शिया सुनी को बटवा बांट दिया गया कहते हैं मींस डिवीजन तो ये कैसे हुआ टू मुस्लिम कम्युनिटी दो फैक्शंस में बट गए शिया एंड सुनी में तो ऑरिजिन क्या है इसका इसका ऑरिजिन क्या है कि जो लास्ट प्रॉफिट थे दैट वॉज द प्रॉफिट मोहम्मद ही पास अवे इन सिक्स थर्टी टू

बातचीत लेकिन वहीं पे दूसरा ग्रुप था जिसको हम लोग कहते हैं उनका क्या कहना था उनका कहना यह था कि जो भी प्रॉफिट मोहम्मद के रिलेशनशिप में आता हो जो तो ब्लड लाइन रिलेशनशिप अपना खून का रिश्ता जिसके साथ हो उसको अपॉइंट करना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर तो एक तरफ लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर आपको चुनने का अधिकार लोगों के पास है पीपल विल इलेक्ट देम वाया कंसेंसस सेकंड सेट ऑफ पीपल इन मुस्लिम कम्युनिटी आर सेइंग दैट नो 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 प्रॉफिट मोहम्मद का जो रियल सक्सेसर है दैट पर्सन हैज टू हैव सम काइंड ऑफ ब्लड लाइन रिलेशनशिप विद प्रॉफिट मोहम्मद तो जो पहला वाला कंसेंसस वाले सपोर्टर्स थे वो आगे जाके बन जाते हैं सुन्नी और जो ब्लड लाइन रिलेशनशिप वाले एडवोकेट्स थे वो आपको बन गए आगे जाके शिया ये देखो लीडरशिप शुड बी अवॉर्डेड टू क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स पहला ग्रुप ऑफ पीपल लेजिटिमेट रूलर कम फ्रॉम मतलब खून का रिश्ता होना चाहिए तो इन्होंने चुना अबू बकर को और इन्होंने माना अपना अली को बिकॉज अली हैड अ ब्लड लाइन रिलेशनशिप विद प्रॉफिट मोहम्मद ये हम लोग आगे जाके देखेंगे

तो अगर सोनी कॉम्युनिटी को देखें तो हमने बात किया कि सोनी कॉम्युनिटी जो है दे वर सपोर्टिव ऑफ कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर है दैट शुड बी फ्रॉम द पीपल वाया द कंसेंसस दैट मींस सोनी कॉम्युनिटी वाज अपोज्ड टू सक्सेशन बेस्ड ऑन मोहम्मद ब्लड लाइन दे नेवर सपोर्टेड दैट एंड ऑन दिस बेसिस प्रोफिट सक्सेसर शुड बी डिटरमाइंड बाई कंसेंसस

तो सुनी ये चारों कैलिफ्स को कैलिफ्स मतलब होता है लीडर ऑफ द इस्लामिक कॉम्युनिटी इन चारों कैलिफ्स को बराबर रिस्पेक्ट देता है लेकिन यही जब शिया की बात करेंगे तो शिया आपको बेसिकली अली को सबसे इंपॉर्टेंट फिगर मानता है बिकॉज अली हैड दैट ब्लडलाइन रिलेशनशिप विद प्रॉफिट मोहम्मद ठीक है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा अगेन मैं अगर की पॉइंट यहां पे बताऊं आपको कि आपको यहां पे क्या क्या जानना है तो सबसे पहले कि सोनी का कम्युनिटी जो लोग थे सोनी लोग का ये कहना था कि जो भी सक्सेसर है दैट सक्सेसर शुड बी सेलेक्टेड वाया कंसेंसस सेलेक्टेड वाया कंसेंसस राइट दे शुड बी सेलेक्टेड बाय कंसेंसस और शिया लोग का क्या कहना था कि नहीं नहीं लेक्टेड ब्रादर दर कौन होगा दैट शुड बिलोंग दैट शुड है इसीलिए सोनी ने सबसे पहले किसको चुना अबू बकर को उसके बाद उमर उसके बाद उत्मान एंड फाइनली अली लेकिन जो शिया कॉम्युनिटी था तो सोनी चारों कैलिफ्स को मानते हैं लीडर ऑफ द इस्लामिक कॉम्युनिटी एक तो हो गए गॉड उसके बाद हो गए प्रोफिट उसके बाद हो गए कैलिफ और कैलिफ के नीचे होते हैं आगे जाके देखेंगे हम लोग ठीक है तो कैलिप कौन हो गए इस्लामिक कॉम्युनिटी जो कम्युनिटी है वो चारों कैलिप्स को इक्वल रिस्पेक्ट देता है और पहला कैलिफ मानता है अबू बकर को लेकिन जो शिया कम्युनिटी है वो सारा सिग्निफिकेंस किसको देता है अली को आपका बेसिकली बंटवारा है शिया और अब सोनीज में एक और पॉइंट याद रखना कि जो सोनी कम्युनिटी है इसमें जो अथॉरिटी है जो भी लीडर होगा सोनी कम्युनिटी का द अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द कुरान एंड द ट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद तो जो भी लीडर है आपका वो उसको अथॉरिटी कहां से मिलता है उसके पास क्या आपको मतलब तो पावर कहां से आ रहा है उसके पास कुरान से तो सुनी रिलीजियस स्कॉलर्स वो आर कंस्ट्रेन बाय द लीगल प्रेसिडेंट्स एक्सर्ट फार लेस अथॉरिटी ओवर देयर फॉलोअर्स देन देयर शिया काउंटर पार्ट्स ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसका बेसिकली ये कहना है कि जो सुनी कॉम्युनिटी है उसमें जो भी लीडर्स होते हैं दे हैव टू फॉलो वॉट द लीगल टेक्स दैट इज वॉट द कुरान सेज उसी को आपको फॉलो करना है ठीक है बट शिया जब हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके तो शिया कॉम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होता है एज कंपेयर टू वॉट यू सी इन द सोनी कॉम्युनिटी तो ये अभी आगे जाके समझेंगे बट बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड ये वाला डिफरेंस अब आते हैं शिया के बारे में तो शिया में देखो अगेन सेम है इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है अली बिकॉज अली क्यों बिकॉज अली है ब्लड लाइन रिलेशनशिप क्या ब्लड लाइन रिलेशनशिप तो अली वॉज प्रोफेट्स फर्स्ट कजन फर्स्ट कजन एंड क्लोजेस्ट मेल ब्लड रिलेटिव ही वॉज अली वॉज ऑल्सो मैरिड टू फातिमा हु वॉज प्रोफेट मोहम्मद यंगेस्ट डॉटर देखिए खून का रिश्ता है ना

तो वो जो अली वली हो गए वो आपको कैलिप्स हो गए और उसके बाद कौन आते हैं आयतुल्ला तो सबसे पहले गॉड फिर प्रॉफिट फिर इमाम फिर फाइनली कौन से आयतुल्लास तो अभी जो आपको ईरान पता है आयतुल्लाह अल खमीनी आयतुल्ला मतलब क्या होते हैं एक्सपीरियंस शिया स्कॉलर तो आयतुल्ला जो वर्ड है वो बेसिकली शिया कॉम्यूनिटी के साथ जुड़ा हुआ है बिकॉज शिया कॉम्युनिटी ये चीज मानता है कि गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स अ मैसेजर गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स दैट गाइड

और ईरान में आपका शिया पॉपुलेशन है तो जहां भी शिया पॉपुलेशन होता है वहां पे आप कॉन्सेप्ट देखते हो आयतुल्लास का इसलिए हमने बात किया अभी इसके पहले जो हमने बात किया था ये देखो ये वाला जो हमने बात किया था कि सोनी में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए सोनी में जो लीडर्स है उनके पास पावर कम होता है बट शिया कॉम्युनिटी में जब आप आयतुल्ला हो जाते हो तो यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर बिकॉज यू आर अ मैसेजर ऑफ गॉड अगेन

तो बहुत सारी चीज़ों में बंटवारा है इसमें भी अगेन ठीक है तो शिया एंड सोनी आर नॉट मोनोलिथिक ब्लॉक्स दैट्स व्हाट यू हैव टू सिंपली मोनोलिथिक्स क्लियर है शिया सुनी का बेसिकली इस्लाम एब्राहमिक रिलीजन तो चार चीज हमने पढ़ा यहां तक एक तो व्हाट इज एब्राहिक रिलीजन व्हाट आर द कोर फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटलिक रिलीजन देन वी टॉक्ट अबाउट इस्लाम कैसे प्रॉफिट मोहम्मद से ओरिजिनेट हुआ व्हाट इज कुरान व्हाट इज व्हाट इज सुन्ना एंड देन वी हैव स्टार्टेड कि कैसे ये बंटवारा स्टार्ट हुआ द ओरिजिन ऑफ स्किज्म इन इस्लाम शिया सोनी कैस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद बिना सक्सेसर के चले गए तो उसके बाद ये लड़ाई स्टार्ट हुआ तो सुनी कम्युनिटी कह रहा था कि आपका जो कंसेंसस है उससे सेलेक्ट करना चाहिए और शिया कह रहा था कि नहीं जो भी हमारे पास ब्लड लाइन रिलेशन है तो इसने अली को चुना उसने अबू बकर को चुना ठीक है तो ये आपको इतना बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शिया सुनी कहां बटे हुए हैं तो आप देख सकते हो कि टॉप तो परसेंट मुस्लिम में एट्टी फाइव परसेंट मुस्लिम सुनी है इसलिए सुनी पॉपुलेशन डोमिनेंट है 85 परसेंट आपके सुनी है और केवल 15 परसेंट मुस्लिम कम्युनिटी में शिया कम्युनिटी तो पहली बात तो ये हो गया अब देखो कहां कहां बटे हुए हैं तो अगर मैं बात करूं सुनी सुनी मुस्लिम तो मैक्सिमम कहा है सऊदी अरेबिया में सुनी मैक्सिमम है इजिप्ट में तो ये यूए में तो ये पूरा सोनी डोमिनेंट बेल्ट है सऊदी अरेबिया यू इजिप्ट और अगर शिया की बात करें तो देखो ईरान एंड इराक प्राइमरली बाकी यमन में भी है थोड़ा ठीक है यमन में आपको शिया भी है सोनी भी है सीरिया में अगेन शिया भी है सोनी भी है बट अगर मेजर चंक ऑफ सोनी पॉपुलेशन है तो वो सऊदी यू इजिप्ट में है मेजर चंक ऑफ शिया पॉपुलेशन है तो वो है आपका इराक और ईरान में और बाकी माइनॉरिटी मेजोरिटी में दोनों लोग हैं यमन में सीरिया में और यहाँ पे भी यमन और सीरिया में इस तरीके से चलता है तो ये आपका हो गया जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेयर द शिया एंड सोनी पॉपुलेशन नेक्स्ट अब यही देखो मैं जो कह रहा था कि अगेन सोनी एंड शिया नॉट मोडोलिबली एंड मलिकी एंड सिमिलरली शिया देखो ट्वेल्व इमाम्स में हैं, देन सेवन इमाम्स में, उसके बाद जायदी एंड अलावी तो अगेन शिया सोनी में फर्दर फैक्शन है अब ये देखो हनबली के अंदर बहावी और यही बहावी कहाँ है वहाबिज सऊदी अरेबिया में तो सऊदी अरेबिया में तो सुनी में कौन सा सुनी मिलेगा आपको हनबली सुनी और हनबली में भी कौन सुनी वहाबी और वहाबी जन एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम होता है ठीक है सिमिलरली ईरान में देखो ईरान में हम लोग ट्वेल्वर देखते हैं तो ऐसा नहीं कि ईरान में ये तीनों शिया रहते हैं शिया में भी बहुत बंटवारा है तो ईरान में प्राइमरली कौन से शिया रहते हैं ट्वेल्वर जो कि आपको ट्वेल्व इमाम मानते हैं और सिमिलरली सऊदी अरेबिया में कौन से सुनी रहते हैं हनबली स्कूल के और उसमें भी वहाबी स्कूल के जो की एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इस्लाम है बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम है तो वहां पे आपको पाया ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है चलो बंटवारा हो गया शिया एक तरफ चले गए सुनी एक तरफ चले गए तो अब दोनों में लड़ाई कैसे स्टार्ट हुआ ये देखो तो लड़ाई देखो कैसे स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले जब इस्लामिक रूल आया सबसे पहले जब इस्लामिक रूल आया तो पहले कुछ सेंचुरीस के लिए लगभग 10 सेंचुरी के लिए एक शतक के लिए आपके सुनी लोगों ने राज किया जब भी इस्ला, जब इस्लाम इस्लाम सब कुछ आ चुका था उसके बाद जब इस्लामिक रूल आया वर्ल्ड में तो उसमें पहले दस दशक तक आपको कौन रूल किया बेसिकली डोमिनेटेड एंटायर और इनके डायनेस्टी का नाम क्या था सफाविद डायनेस्टी और ये आपको कब तक चला फिफ्टीन हंड्रेड सॉरी सोनीज डॉमिनेटेड एंड नाइन सेंचुरी रूल डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश इन पर्शियन फिफ्टी

और ऑटोमन एम्पायर में मैक्सिमम कौन है अगेन आपका सुनी तो देखो द सीट ऑफ सुनी कैलिफेट तो ऑटोमन आपका किसका है सुनी कैलिफेट का ठीक है तो ये दोनों आपस में अब आप लड़ना स्टार्ट कर दिया सफाफी डायनेस्टी और ऑटोम और ग्रेजुअली ये दोनों एम्पायर कोलैप्स कर गए और जिसका जितना जहां तक इंफ्लुएंस था वहां पे शिया बट गए और वहां पे सुनी रहने लगे ठीक है तो बेसिकली इस कॉन्फ्लिक्ट का ऑरिजिन क्या है कि जब इस्लामिक रूल स्टैब्लिश हुआ तो उसके कुछ शुरू के आपको नौ या दस सेंचुरीज तक लगभग सोनी अपना हुकूमत चलाए सोनी के हुकूमत को सबसे पहली बार चैलेंज किसने किया सफाविट डायनेस्टी ने और सफाविद डायनेस्टी किसका चैंपियन था ऑफ द शिया कॉस्ट डायनेस्टी वॉज इस्टिश इट्स ओन रूल इन परसिया दैट इज द मॉडर्न डे ईरान और सफाव डायनेस्टी को फ्यूचर में किससे चैलेंज में आया ऑटोम के द्वारा

पॉलिटिकल बॉर्डर डे ईरान एंड टर्की सत्री तक मान लो जहां तक मैक्सिमम सोनी लोग रह गए और जहां पे हमारे सफावे डायनेस्टी uh, का था वहां पर प्राइमरी रह गए तो वो ईरान बन गया और ये हमारा टर्की बन गया टर्की ऑल्सो वॉन्टियन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड टर्की में भी आपको ऑटोम का सीट हुआ करता था मतलब उसका सेंटर हुआ करता था टर्की इस टर्की में तुम देख रहे हो इरोडगन की जो पॉलिसीज है एडोग की और ईरान का तो हमेशा सपना रहा है टू बी द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड ठीक है तो ये आपका बेसिकली ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट आपका इस तरीके से ये देखो हमारे पास ये सफाविद एम्पायर है और यहाँ पे देखो हमारे पास कौन सा है आपका ये मुगल है तो मुगल तो इंडिया पे हुकूमत कर रहा था और ये सफाविद है ये पर्शिया देखो ईरान यहाँ पे शिया लोग थे और ये देखो ऑटोमन जो कि टर्की इजिप्ट वाला एरिया है और यहां पे देखो ये सऊदी अरेबिया तो यहाँ पूरे कौन रहते सोनी लोग जब ये एम्पायर खत्म हुआ ऑटोमन तो ये टर्की बन गया ये इजिप्ट बन गया ये ईरान बन गया ठीक है तो ये आपको देखो मुगल एम्पायर सफाविद एम्पायर एंड फाइनली द ऑटोमन एम्पायर वहां पे सोनी यहाँ पे शिया अब देखो प्रॉब्लम का हुआ मॉडर्न ये तो शुरू की लड़ाई हो गई ये तो जब इस्लामिक रूल हुआ तब से क्या क्या लड़ाई चल रहा है लेकिन आज क्या लड़ाई का कॉज है आज क्यों शिया सोनी लड़ रहे हैं अगर तो इसको आपको ट्रेस करना है कि ये लड़ाई का इनिशिएशन कहाँ से होता है तो दैट इनिशिएशन वाज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन इन द ईयर 1979. 1979 में ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है। उस ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन में क्या है बेसिकली कि 1979 के पहले ईरान में किसकी सरकार हुआ करती थी पहलवी साहब की मोहम्मद रजा पहलवी 1979 के पहले तक और दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज तो जनरली इसको प्रो वेस्ट माना जाता था इसके और इसी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया गया कि आप वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स को नहीं अपना सकते हो दिस इज इस्लामिक कंट्री वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर व्हाट द गॉड एंड अदर थिंग्स लाइक दैट तो इसी के अगेंस्ट ईरान में एक इस्लामिक रिवोल्यूशन आता है जिसमें पहलवी को ओवरथ्रोन करके आयतुल्ला रोहला खमीनी को पावर में स्टैब्लिश कर दिया जाता है इरानियन मोनार्की अंडलवी एंड टर्न ईरान इंटू अटिक रिपब्लिक थियोक्रेटिक का मतलब रिलीजन बेस्ड नॉट डेमोक्रेटिक इट इज रिलीजन बेस्ड थियो मतलब रिलीजन होता है तो थियोक्रेटिक रिपब्लिक डेटिक रिपब्लिक अभी भी देखो ईरान में डेमोक्रेसी उस सेंस में जैसे यूके में क्या है आपके पास एक तरफ आपका मोनार्क है और एक तरफ आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट है जो कि प्राइम मिनिस्टर है तो वैसे ही ईरान में भी होता है तो ईरान में एक तरफ आपके पास इलेक्टेड पर्सनल और जो आपका रिपब्लिक है जो आपका मोनार्क है वो आपका कौन है दैट इज द आयतुल्ला वो एक रिलीजियस सेम यूके में भी तो रिलीजियस ही होता है वो जनरली बट यहाँ पे बिकॉज दैट पर्सन इज आयतुल्ला अगेन ईरान एज अ प्रेसिडेंट वो अलग है दैट पर्सन इज इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट वो अलग है लेकिन जो वहाँ का प्रेसिडेंट है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं आपका वो कौन है वो वो है आपको आयतुल्ला एंड इट इज नॉट मोनार्क बिकॉज ये एक फैमिली से नहीं आता है एक फैमिली ऐसा नहीं कि आयतुल्ला रोहला खामी जाएंगे तो इनके सन को बना दिया जाएगा नो इट डिसक यू के ठीक है समझ रहे हो सो अगेन मैं बता दे रहा हूँ ईरान का कैसे स्ट्रक्चर है आपका ईरान so, में आपके पास एक तरफ प्रेसिडेंट है जो कि आपके इलेक्टेड है और दूसरे तरफ आपके जो ये सॉरी ये जो जिनके पास सारा पावर है और दूसरे तरफ हमारे पास कौन है जो आपके रिलीजियस फिगर है जो हमारे हेड ऑफ स्टेट कह लो ठीक है जिसको हम लोग इंडिया में प्रेसिडेंट कहते हैं तो दिस पर्सन इज नोन एज ये कौन होते हैं ये बेसिकली अब इंडिया में क्या रिलीजन के आधार पर किसी को ये दिया जाता है नहीं

बिकॉज नाइनटीन सेवनटी नाइन के पहले कोई चीज़ था नहीं नाइनटीन नाइन नाइन के बाद जब आयतुल्ला रोला खमीनी आ गए एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन वॉज अ मिशन कि किस तरीके से शिया लोगों का डोमिनेंस बढ़ाया जाए किस तरीके से ईरान को लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ाया जाए तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अभी पैनिक कौन करेगा पैनिक करेगा सऊदी बिकॉज सऊदी में तो सोनी लोग रहते हैं तो यहां से अब एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारा जियो पोलिटिकल एस्पेक्ट में इंटरनेशनल तो जैसे ही 1979 में ईरान में आपको इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ उसी समय सऊदी अरेबिया अब ईरान को काउंटर करने के लिए सारे टूल्स को इस्तेमाल करने लगा और सऊदी अरेबिया को डर लगने लगा कि यार यहां पे तो अब देखो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद एक शिया का ग्लोरी आ जाएगा वो लीडर बन जाएगा तो सऊदी अरेबिया ऑल्सो स्टार्टेड टू तो नाउ काउंटर ईरान और यहां पर एक टर्निंग पॉइंट होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि ईरान के साथ क्लोज था बिकॉज ऑफ द पहलवी रेजीम नाउ द यू एस स्टार्टेड टू पाई बॉट टूवर्ड सऊदी अरेबिया बिकॉज नाउ सऊदी और यूएस के जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी सिमिलर हो गए और यहां स्टार्ट और से स्टार्ट होता है यूएस सऊदी का रिलेशन और यहीं से स्टार्ट होता है यूएस ईरान का टेंशन और आज भी वही चीज चल रहा है यूरान यूएस ने ईरान के ऊपर सैक्शन लगा दिया है और सऊदी अरेबिया तो आपको पता ही यू एस के साथ कितना क्लोज फ्रेंड है तो अब हम लोग जब पढ़ेंगे यूएस सऊदी रिलेशन इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट उसको समझने के लिए आपको ये चीज जानना था कि ये सब चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई है दैट इज इन नाइनटीन 1979 इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाप की वजह से आज पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे हैं बिकॉज सऊदी शिया सऊदी आपको सुनी वर्ल्ड का एक एक, एक हेजमन बनना चाहता है और ईरान आपको शिया वर्ल्ड का हेजमन बनना चाहता है और दोनों इस्लामिक वर्ल्ड के हेजमन बनना चाहते हैं तो वो दोनों आपस में तो लड़ नहीं सकते हैं तो इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं जो तो कि आपका यमन में हो रहा है जो कि आपका सीरिया में हो रहा है जो कि आपका लेबनन में हो रहा है तो इसी तरीके से ये 1979 के बाद तो दो बड़े कंट्रीज हैं इस पूरे एरिया के सऊदी और ईरान अपने वर्चस्व के लिए हर जगह प्रॉक्सी वॉर्स खेल लेकिन आज आप देख रहे हो कि सऊदी ईरान का जो रिलेशन है वो न्यूज़ में देखोगे आप नॉर्मलाइज कर रहा है इसीलिए कर रहा है Because today's geopolitics, today's international politics, hai, ye alag hai what was there in the 20th century or the starting of the 20th Because US is trying to get out of this particular area and invest its energy in the Indo Pacific, where it's facing a bigger, larger challenges that is coming from the China. इसी तरीके से हम लोग इस पूरे चीजों को कनेक्ट करेंगे कमिंग सेशन में उसके पहले आपको इतना बैकग्राउंड आना चाहिए था कि शिया क्या होता है सोनी क्या होता है ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशन नाइनटीन में कब आया उसके बाद से कैसे सऊदी और ईरान का टेंशन बढ़ा और यही सारा जड़ है आज प्रॉक्सी वॉर एंड अदर थिंग और उसके बाद बात करेंगे आज का जो करंट अफेयर्स का न्यूज़ हो रहा है जो आपको एक तरीके से जो जियो पोलिटिकल रीअलाइनमेंट है सऊदी ईरान के नॉर्मलाइजेशन हो रहा है आपको पता एक वेस्ट में क्वार्ड भी बन रहा है वेस्टर्न क्वाड जिसको हम लोग कहते हैं आई टू यू टू आपने पढ़ा होगा एब्राहमिंग अकॉर्ड आपने पढ़ा होगा तो ये सारे चीजों को हम लोग इन डिटेल अब इस पूरे सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे काफी लंबा होगा बहुत सारे वीडियोस आएंगे I'm, 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 मुझे मेरा ये टारगेट है कि हर दो दिन पे एटलीस्ट आपको एक वीडियो बट समाइम्स तीन दिन पे भी एक वीडियो आएगा बट आई कैन प्रॉमिस यू कि सारे वीडियोस आपको आएंगे एंड दैट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर जियो पॉलिटिकल एरिना दैट इज ठीक है तो इसी तरीके से आई होप कि आपको ये लेक्चर सेशन uh, पसंद आया हो और ये सीरीज YouTube पे पहली बार इतना होलिस्टिक वे में आपको कवर करवाया जाएगा दैट आई कैन गारंटी यू तो इसको आप लाइक like करें इस चैनल चान को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें और मजे लें बिकॉज एट द एंड यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिकॉज मोर देन एग्जाम द नॉलेज विच यू आर गेटिंग थ्रू दीज थिंग्स विल बी अ लाइफ चेंजर बिकॉज यू हैव टू लीड द वर्ल्ड यू डोंट है Only for a particular exam. So I hope again that you have a great life, you have a great evening, and all the best wishes to you. We'll see you again in this particular series in the lecture number two. Thank you, Jai Hind. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.